नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री आपस में SYL प्रोजेक्ट विवाद को लेकर के बात करेंगे, जैसा कि 14 अक्टूबर को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच SYL प्रोजेक्ट को लेकर के बात होनी है, वहीं इस बातचीत के बाद वह अपने राज्यों में बातचीत करके इसका जवाब 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। ऐसे में जब दोनों राज्यों के द्वारा जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, तब स्पष्ट होगा कि आखिर SYL प्रोजेक्ट विवाद किस तरफ जा रहा है। ऐसे में आइए आज के इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि SYL प्रोजेक्ट क्या है। पहले तो आपको बता दें कि SYL प्रोजेक्ट सतलुज यमुना लिंक प्रोजेक्ट है, जिसकी आधारशिला 8 अप्रैल 1982 को वर्तमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी आधारशिला रखा था। जैसा कि इंदिरा गांधी ने इस प्रोजेक्ट की नींव पंजाब के एक गांव में रखी थी, कि यह 214 किलोमीटर लंबी नहर परियोजना है, जिसमें पंजाब में बहने वाली सतलुज और हरियाणा में बहने वाली यमुना नदी को जोड़ने के लिए बनाया गया था। जैसा कि 214 किलोमीटर लंबे नहर परियोजना में से 122 किलोमीटर पंजाब में पड़ता है, वहीं 92 किलोमीटर हरियाणा में पड़ता है। जैसा कि योजना की शुरुआत होते ही अकाली दल ने इसका विरोध किया और इसके खिलाफ आंदोलन चलाया और कपूरी मोर्चा निकाला। बढ़ते विरोध के बीच 1985 में वर्तमान प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस समय के अकाली दल के प्रमुख संत हरिचंद्र सिंह लोगोवाल से एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें पानी का आकलन एक नए सिरे से शुरू करने के लिए ट्रिब्यूनल तैयार किया गया। 1987 में ट्रिब्यूनल ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कमेटी ने कहा कि पंजाब का पानी 5 MAF यानी कि मिलियन एकड़ फीट कर दिया, वहीं हरियाणा के लिए 3.83 MAF करने की सिफारिश की। जैसा कि पहले हरियाणा और पंजाब एक ही हुआ करते थे, लेकिन 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, तभी इस विवाद की शुरुआत हुई। तब पंजाब को इन नदियों का पानी साझा करने की जरूरत हुई। वहीं पंजाब ने रावी और ब्यास नदियों के पानी को हरियाणा में बांटने का विरोध किया। हाँ, आपको यह बता दें कि हरियाणा के गठन से एक दशक पहले इन नदियों के पानी का आकलन किया गया, जिसमें 15.85 मिलियन एकड़ फीट यानी कि MAF पानी 1955 में सरकार ने पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर तीनों की एक बैठक आयोजित कराई, क्योंकि राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब इन नदियों का पानी जाता है। जैसा कि उस समय 15.85 MAF पानी में से 8 MAF पानी राजस्थान को दिया गया, वहीं 7.20 MAF पानी अविभाजित पंजाब को दिया गया और वहीं 0.65 MAF पानी जम्मू कश्मीर को दिया गया। जैसा कि जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, पंजाब को मिले 7.2 MAF पानी में से हरियाणा को भी बांट करके पानी देना था, जिसमें कि 3.5 MAF पानी हरियाणा को भी आवंटित हुआ। लेकिन होता क्या है कि 1981 में एक बार फिर से पानी का मूल्यांकन होता है, तब पता चलता है कि 17.17 MAF पानी, जिसमें से पंजाब को 4.22 MAF पानी दिया गया और वहीं हरियाणा को 3.5 MAF पानी दिया गया। रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान को 8.6 MAF पानी आवंटित हुआ। हालांकि यह बंटवारा कभी लागू नहीं हो सका। ऐसे में पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद का मुख्य कारण पानी को लेकर के ही है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर क्या भगवंत मान और मनोहर खट्टर इस मामले को बातचीत के माध्यम से सुलझा लेते हैं कि नहीं। ऐसे में यह टॉपिक आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ, तब तक के